नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके, साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है, तो आप उसे ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट की पूरी डिटेल्स के साथ, और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। मैं लगातार अपने हर वीडियो से अपने व्यूअर्स को कार्स की बिल्ड क्वालिटी की इंपॉर्टेंस दिखाते आया हूं। बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो आपको कभी मेजर एक्सीडेंट में शायद बचा ले, और माइनर एक्सीडेंट्स में कार की बुरी बिल्ड क्वालिटी किसी को भी बहुत परेशान कर सकती है। मुझे किसी भी कार कंपनी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं सभी ब्रांड्स की अच्छी सेफ कार्स को हमेशा प्रमोट करता हूं। पर कुछ कंपनीज के डबल स्टैंडर्ड से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि किया मोटर्स। भारत में आने के साथ ही किया मोटर्स ने अपनी पकड़ मार्केट में काफी अच्छी बना ली थी, और इसका रीजन था फॉरेन मार्केट में इस कार की रिलायबिलिटी। किया सेल्टॉस लॉन्च होने के साथ ही बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी, और क्रेटा के बाद इसी कार का नंबर आता है टॉप सेलिंग एसयूवी में स्पाइट बीइंग अ न्यू ब्रांड इन इंडिया। किया सेल्टॉस का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट होने से पहले सभी को यही लगता था कि ये कार 100% एक 5 स्टार रेटेड कार है, क्योंकि सेल्टॉस के इंटरनेशनल वेरिएंट को क्रैश टेस्ट में पहले 5 स्टार मिल चुके थे। पर जब इस कार का क्रैश टेस्ट हुआ और रिजल्ट सामने आए तो सभी काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ ये कार मात्र 3 स्टार ही स्कोर कर पाई थी, जो कि एक एवरेज सेफ्टी है। सबसे ज्यादा धक्का लगा था किया सेल्टॉस के उन ओनर्स को जिन्होंने क्रैश टेस्ट से पहले ही इस कार को 5 स्टार मानकर ये गाड़ी ले ली थी। सो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स, जहां सेम कार के एक मॉडल को बाहर 5 स्टार मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बेचे जाने वाली कार को सिर्फ 3 स्टार, तो ये हैरान करता है और परेशान भी। और ये सिर्फ सेल्टॉस के साथ नहीं, और भी कई कार्स के साथ हमें ऐसा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम इस एक्सीडेंट की, जो किया सेल्टॉस की बिल्ड क्वालिटी का सच हमें दिखाता है। तो ये एक्सीडेंट मिस्टर योगेंद्र सिंह राठौर ने मेरी ईमेल आईडी पे शेयर किया था। मिस्टर योगेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद पिक्चर शेयर करके सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए। एक्सीडेंट एक वीडियो प्रूफ के साथ भी शेयर किया गया है, जहां हम लोगों को बोलते हुए सुन सकते हैं कि ऑटो को कुछ नहीं हुआ। ये एक्सीडेंट राजस्थान से रिपोर्ट हुआ है। मिस्टर योगेंद्र बताते हैं कि ये एक्सीडेंट उनके घर के सामने ही हुआ था। यहां किया सेल्टॉस 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पीछे से एक ऑटो रिक्शा को हिट करती है। ऑटो रिक्शा इस समय पार्शियली रोड खड़ा था, और फिर सेल्टॉस में भारी डैमेजेस आती हैं। सबसे पहले आप वही वीडियो क्लिप देखिए। तो जैसा आपने देखा, लोग यहाँ क्लियरली बोल रहे थे कि ऑटो खड़ा था और सेल्टॉस ने पीछे से मारा, इसकी हालत देखो और ऑटो को कुछ नहीं हुआ। तो सीरियसली, ये सारे एक्सीडेंट्स देखने के बाद इन कंपनी से ये पूछने का मन जरूर करता है कि 18 लाख तक की इस गाड़ी में ऐसी बिल्ड क्वालिटी देना, ये क्या मजाक लगा रखा है। सेल्टॉस में हुई डैमेजेस आप यहाँ देखें तो सीरियसली वो यहाँ काफी हैरान करती है। सामने से लेफ्ट साइड से बम्पर बोनेट पूरी तरह से डैमेज्ड है, और ये डैमेजेस अंदर तक पहुंची है। इसके बाद रोड साइड असिस्टेंस के बिना ये कार यहाँ से हिली भी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ ऑटो में एक माइनर देखने को मिलता है। एक गाड़ी को इंसान देखे तो पूछेगा, भाई साहब मेजर एक्सीडेंट हो गया, अंदर बैठे लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? और दूसरी तरफ ऑटो को देखकर कोई बोल नहीं सकता कि उसका यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो एज अ बायर आप जागरूक बने और किया मोटर्स को फोर्स करें कि वो इंडिया में भी सेफ कार्स प्रोवाइड करवाए, जैसे इनके फॉरेन वेरिएंट में देती है, क्योंकि ऐसी बिल्ड क्वालिटी बस एक बात पूछने में मजबूर करती है, 18 लाख में ये कैसा मजाक है। पर क्रैश टेस्ट और ऐसे एक्सीडेंट्स देखने के बाद भी लोग इन कार्स को लेने से पीछे नहीं हटते। बेसिकली सेल्स तो आ रही हैं, तो कंपनी भी बिल्ड क्वालिटी में सुधार क्यों लाए। मिस्टर अरुण पनवार की यहाँ बात करना चाहूंगा। एक्चुअली अरुण को मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है और ओकेजनली उनके वीडियोस भी देखता हूँ, एंड आई फील ही इज अ गुड यूट्यूबर जो एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं। रिसेंटली उनका जीप कंपास डिलीवरी और क्रेटा का रिव्यू वीडियो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था। कमेंट सेक्शन में एक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि काफी लोग लिख रहे थे कि अरुण भाई सबसे ये पूछते हैं तो भाई किया क्यों नहीं ली। अब मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा और सारे पार्ट्स नहीं देखे, तो खुद ये बात मैंने उन्हें पूछते हुए नहीं सुना। पर मेरे लिए किया को ना लेने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इतने पैसे खर्च करके भी अगर मुझे बस एवरेज बिल्ड क्वालिटी मिल रही है तो मैं क्यों उस गाड़ी को लूं। एंड ऊपर से ये बात भी मुझे पता हो कि सेम कार को बाहर ज्यादा सेफ बनाया जाता है तो कंपनी पर इंसान का ट्रस्ट कम हो जाता है। खैर, ये वीडियो और क्लिप हमें साफ दिखाती है कि किया सेल्टॉस वाकई एक एवरेज 3 स्टार की सेफ्टी ही प्रोवाइड करवाती है, तो ऐसे में मेरा रुझान दूसरी सेफ कार्स के लिए ज्यादा रहेगा। एंड आई होप इंडिया में बायर्स किया पे प्रेशर डालें, चाहे वो आवाज उठा के या कार्स ना लेके, ताकि भारत में भी किया की कार्स सेम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और बिल्ड क्वालिटी के साथ बेची जाए। जब तक सेफ कार्स की मांग आप करेंगे नहीं, आपको वो मिलने नहीं वाली है। और कार सेफ्टी मतलब ट्रैवल करते हुए उसमें आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी, तो अपनी सेफ्टी के लिए आवाज जरूर उठाएं। और पहला कदम है इन वीडियोस को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना ये चैनल ग्रो करेगा उतना ही आगे सेफर कार फॉर इंडिया मिशन जाएगा।
चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।